वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और अलर्ट इंडिया न्यूज के स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मंजरी जी। मंजरी जी, आपका अलर्ट इंडिया न्यूज के स्टूडियो में वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको मंजरी जी के बारे में बता दें, ये स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन से हैं और आज ये हमारे स्टूडियो में आई हैं और ये आज हमें बताएंगी कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या काम करती है, क्या करने जा रही है और आगे इनके प्लान क्या रहेंगे। जी मंजरी जी। सर, एक्चुअली चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन एक नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम 2006 में इनका प्लान हुआ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें चाइल्ड लाइन एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री का, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। और फर्स्ट चाइल्ड लाइन आपके यहाँ 2006 में जम्मू में आई और इन फ्यूचर हमें लगता है कि हम लोग सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट अभी तक आपने कवर कर चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 9 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं और 12 चाइल्ड लाइन फंक्शनल हैं आपके यहाँ, उसमें 2 रेलवे चाइल्ड लाइन भी शुरू की है हम लोगों ने, शुरू की हुई है जी। तो मतलब कि किस तरह का काम जो है वो आपका रहता है इसमें? एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा जो 18 ईयर्स तक के कैटेगरी में आता है उसको डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उसमें हर तरीके की असिस्टेंस है, चाहे वो मेडिकल है या इकोनॉमिकल है या उसके अलावा इनकी है कि जैसे चाइल्ड लेबर का केस है, तो हर किसी भी तरीके की असिस्टेंस एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कभी कोई कठिनाई आई इन केसों को लेकर? डेफिनेटली अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में चूंकि 2006 से चल रहा था अपना चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर पहले जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस रजिस्टर नहीं होते थे, उनके FIR लॉज नहीं होते थे। तो अभी जो कठुआ का रिसेंटली एक केस हुआ था उसके बाद हम लोगों ने भी, मुझे लगता है चाइल्ड लाइन एक पहली ऐसी संस्था थी जिसने पॉक्सो जो कानून है ऐसे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, फर्स्ट टाइम उस पर वर्कशॉप करना शुरू किया। और जब वर्कशॉप शुरू किया तो उसमें काफ़ी ऑब्जेक्शंस हुई कि यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में तो है नहीं और आपने कैसे ये करवा दिया। बट जो कठुआ का केस आया उसके बाद लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा भी और उसमें उसके बाद वो फिर इम्प्लीमेंट भी हुआ और अभी हम लोगों ने जो पहला पोक्सो का केस रजिस्टर कराया है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जी। अच्छा, कई चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे आपने सेक्स अब्यूज़ के बारे में बताया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है वो गलत हो रहा है या फिर उसके बाद जो है FIR दर्ज नहीं होती, कई ऐसे केसेस अभी भी पेंडिंग है। जैसे आप तो हम बात करेंगे जैसे अर्बन एरिया की जी। तो यहाँ पे एकदम से जो है पकड़ा जाता है बंदा और पता लग जाता है कि हाँ यार ये है, उसने वो किया। जो दूर दराज के एरिया हैं हमारे यहाँ के, जो काफ़ी फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पर जब ऐसी चीज़ें होती हैं क्या चाइल्ड लाइन वहाँ तक पहुँच पाएगी? बिल्कुल, अगर मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं तो उनका फ्यूचर प्लान है कि विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल तक भी हम जाएं। तो बट फिलहाल अभी तक तो हम लोग जो फंक्शनल चाइल्ड लाइन है उनके थ्रू ही कवर कर रहे हैं। जैसे कठुआ है, अगर सांबा का कोई केस आ गया या बिलावर का कोई केस आ गया तो ये कवर करते हैं। अगर चाइल्ड लाइन जम्मू की बात करते हैं तो बड़ी ब्राह्मणा हुआ या उसके आसपास का जो रियासी और जम्मू के बीच का एरिया है, कभी वो रियासी कवर कर लेता है, कभी वो जम्मू वाले कवर कर लेते हैं। तो फार फ्लंग एरियाज़ भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन अभी तो फिलहाल कवर कर रही है, बट इन फ्यूचर सब सेंटर्स जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो थोड़ा आराम हो जाएगा हमें। तो ये तो बात की हमने जम्मू की और आप देख रही हैं पूरा जम्मू कश्मीर। कश्मीर के बारे में हमें बताइए कि कश्मीर में जब आप गए थे कैसा वहाँ पे आपको जो है मुश्किलें आई, जब आप वहाँ के लोगों से मिले क्या कहना था उनका लोगों का? मुश्किलों की अगर ऐसे इंडिविजुअली बात करें तो पहला जो मुद्दा उठता है सिक्योरिटी और सेफ्टी का, तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि कुछ सेफ्टी या सिक्योरिटी है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। बट हाँ, वहाँ पे जो बच्चों के इश्यूज़ थे, जैसे कि जो बच्चे इसमें स्टोन पेल्टिंग में जो इंडल्ज हैं, उनको देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि मतलब कोई काउंसलिंग नहीं है या कब कोई सपोर्ट नहीं है। कई बार अगर हम सरकार की भी बात करें तो कई बार ऐसा होता है जो इमोशनल चीज़ें हैं उनको अब जोर ज़बरदस्ती या दबाव से अगर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पनपते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। और कुछ ऐसा ही वहाँ पे भी शायद बच्चों के साथ इनडायरेक्टली हुआ, हम बड़ों की लड़ाई में बच्चे कहीं दबते चले गए। और अभी उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम कश्मीर डिवीज़न में,
तो जो वहाँ पे श्रीनगर की चाइल्ड लाइन है, बड़गांव चाइल्ड लाइन है, अनंतनाग चाइल्ड लाइन है, तो उस मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल से फ्री होते हैं उनको उस ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है कि उनका ध्यान और दूसरे तरफ ना जाकर उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से ट्रेन किया जाए और ज़िंदगी जीने का जो सही तरीका है वो इनडायरेक्ट मेथड से दिखाया जाए, क्योंकि कश्मीर की सिचुएशन मुझे लगता है सबको ही पता है कि क्या है। जी, तो कितने केसेस जो हैं अभी तक आप कश्मीर में जो हैं वो कर चुकी हैं? अप्रॉक्स 10,000 केसेस अभी तक हम लोगों ने डील किए हैं विद इन स्टेट। 10,000 केसेस हम लोगों ने किए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के, जैसे हमने बताया कि कुछ एजुकेशनल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट। अब जैसे आप पैलेट, जब बीच में अभी ये आपका फ्लड आया था कश्मीर में या जम्मू डिवीज़न में 2014 में, या अभी जो अनरेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे जब वो पैलेट इंजर्ड बच्चे आते हैं तो उसमें मेडिकल और स्पॉन्सरशिप के केसेस कहीं ज़्यादा आते हैं नॉर्मल केसेस के कंपैरिजन में। जी, तो नेक्स्ट फर्दर आपका क्या प्रोग्राम रहेगा कि क्या करना चाहेगी चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन जो है वो, इससे बेहतर और क्या करना चाहिए? चाइल्ड लाइन इंडिया का बेहतर तो तभी होगा जब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में विलेज और ब्लॉक लेवल पे चाइल्ड लाइन आ जाएगी और उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, क्लोजली हो, और इनका आपके जो सिस्टम है, अथॉरिटीज़ हैं, उनकी सपोर्ट प्रॉपर तरीके से अदर स्टेक होल्डर्स का मिले तभी। क्योंकि आपके यहाँ अभी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो अदर स्टेट में 2009 में आ गई थी, आपके यहाँ 2017 में आई है, तो मुझे लगता है कि अभी वो भी इनिशियल स्टेज में है और उनको भी अभी और ज़्यादा उनको भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, तो सिस्टम मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। जब आप काम करने के लिए निकलती हैं, जैसे आपके पास कोई केस आता है जी, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या आपके साथ लाइसेंस रखता है वो पूरा कि आपको मुश्किलें आती हैं थोड़ी सी? नहीं, थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट से कई बार ऐसा होता था कि FIR लॉज नहीं करते थे, बट धीरे धीरे एडवोकेसी करके जब उन्हें समझ में आ गया तो फिलहाल अभी ये इश्यूज़ कम हैं, बट मगर कम हैं। अभी हम लोगों को एक इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो JJ एक्ट के अकॉर्डिंग स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट उन्होंने इस्टेब्लिश करना चाहिए। वो अगर उन्होंने डेजिग्नेट किए भी हैं तो चूंकि वो वर्दी में होते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने बच्चों से रिलेटेड जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं भी JJ के अकॉर्डिंग वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। अभी जैसे हाल ही में एक केस हुआ था यहाँ पे, आपने शायद उसको आपकी ही चाइल्ड लाइन ने जो है बच्चों को, कठुआ चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया था, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि क्या हुआ है वो, अब वो कौन सी स्टेज पे है इस वक्त और क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए? होने की बात तो ये है कि बच्चों को जितना जल्दी, अगर बच्चा जाना चाहता है तो उनको इमिजिएटली रिस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए, और चाइल्ड लाइन ने ऑलरेडी CWC को लेटर दिया हुआ है और मीटिंग भी की हुई है कि उनके रिस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू करें। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी होगा उनका। एक्चुअली अभी CWC का लेबर डिपार्टमेंट के साथ कुछ लाइजनिंग करनी है, जैसे ही वो फाइनल होगा हम लोग बच्चों को रिस्टोर करा देंगे। मंजरी जी, आप हमें ये बताइए, बच्चे तो रेस्क्यू आप कर देते हैं जी, उसके बाद उनका क्या होता है? जैसे अब जैसे कठुआ जो चाइल्ड लाइन ने ये केस किया, रेस्क्यू किया, अब वो बच्चे जो हैं इस वक्त, कोई लड़कियाँ जो हैं वो नारी निकेतन में हैं और बच्चे जो हैं वो बाल आश्रम में हैं। अब हम भी उनसे मिलने गए थे कभी, तो उनका ये कहना है कि हम लोग बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, क्योंकि हमारा रहन सहन जो है वो इन लोगों के साथ बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग और वो बंगाल से जो हैं वो बच्चे हैं तो वो नहीं, मतलब कि वहाँ पे एडजस्ट हो पा रहे। तो क्या समझती हैं आपकी क्या होना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये केस जो है काफ़ी लंबा चला गया है ये? हाँ सर, डेफिनेटली लंबा चला गया है, पर हम आपको अगर एक्ट की बात करें तो हम लोगों का थोड़ा प्रोसीजर लेंथी है। जब तक वहाँ से हमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट, जैसे बच्चों के पेरेंट्स के आधार कार्ड हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते, तब तक आफ्टर होम वेरिफिकेशन ही हम लोग रिस्टोर करा सकते हैं बच्चे को। तो हम लोगों को भी वेट है कि वहाँ की जो चाइल्ड लाइन है या कंसर्न CWC उनके स्टेट की है, जब तक वो हमें मतलब ये नहीं बोलेंगे हाँ ठीक है आप बच्चा अब रिस्टोर करा दो ये डॉक्यूमेंट्स है, तब तक हम लोग भी मजबूर हैं और बच्चों को यहाँ रखना पड़ेगा तब तक के लिए। मुझे एक चीज़ और मेरे दिमाग में बात आ रही है कि जब बच्चे हम रेस्क्यू करवा लेते हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि उन बच्चों को हम अपने लेवल पे, जैसे चाइल्ड लाइन कठुआ है, वो अपने लेवल पे उनको पढ़ाएं, उनको रोज़गार दिलवाएं कि बच्चा जो है वो खुद स्टैंड हो,
ना कि वो कहीं ढाबे पे जाए काम करने के लिए। आज हम बच्चे को लेके आते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, तो वो फिर दोबारा से ढाबे पे आ जाएगा, या कहीं पे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इंडस्ट्री से हम छुड़वा के ले आते हैं, तो चलो जी छोड़ दिया हमने, बता दिया जी वाह वाह लूट लिया हमने, बच्चे रेस्क्यू कर लिए, फ़ोटो खिंचवा लिए अखबार में जी बच्चे आ गए। तो मतलब कि कुछ ऐसा भी है कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसा प्रावधान है आपके पास कि जो मतलब कि आप बच्चों को कहीं सही दिशा जो है वो दिलवा सकें? सर अगर कानून की बात करें तो हम लोगों के भी हाथ बंधे हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि बच्चा जिस जगह का है, जिस स्टेट का है, उसको वहीं पर रिहैबिलिटेट करके उन्हीं के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो उसको सही एजुकेशन दें, सही रिहैबिलिटेट करें। तो अब वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो उसकी देखभाल बेहतर तरीके से करें। मतलब फॉलो अप कोई नहीं है आपका? फॉलो अप हमारा होगा, जो बच्चे को हम लोग वहाँ पे रिस्टोर करा के भी आते हैं तो भी टाइम टू टाइम एज ए चाइल्ड लाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम देखें कि क्या वाकई बच्चा इनरोल हुआ है स्कूल में या नहीं हुआ है, अगर उसको कुछ मेडिकल या हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। और उसके अलावा भी हम लोग अपने नंबर दे के आते हैं जो बच्चों को रिस्टोर कराते हैं, जिस पे हम बच्चे से डायरेक्ट बात करते हैं कि भाई आपको मिला या नहीं मिला, या सिर्फ कागजी कानून कानून में रह के बन के रह गया है। तो हमारा फॉलो अप लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन जो है वो हम लोग करते हैं अपनी तरफ। कठुआ में कोई ऐसा चाइल्ड लेबर वाला केस आपने कोई पकड़ा है इस तरह? हाँ, ऐसे बहुत से दुकानों पे काम कर रहा है या ढाबों पे काम कर रहा है। पिछले साल करीब 8 केसेस हम लोगों ने ऐसे किए हैं जिनको रिहैबिलिटेट करवाया है बच्चों को। तो उनका क्या किया? उनको हम लोगों ने उनके कुछ तो रिस्टोर करा के आए हैं, जैसे एक आसाम का बच्चा था उसको वहां पर हम लोगों ने रिहैबिलिटेट। लोकल बच्चे तो मुझे लग रहा है 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनको उनके स्कूल में करके उनको स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के उसमें लिंक कर दिया गया है। अच्छा, उसमें क्या स्पॉन्सरशिप में क्या? स्पॉन्सरशिप स्कीम में ICPS में प्रोविज़न है कि 2,000 rupees पर मंथ बच्चे को उसके घर में रहकर उसका बैंक अकाउंट खोलकर उनको वहीं पे दिया जाता है उसके अकाउंट में, और मदर फादर से एक एफिडेविट लिया जाता है कि ये जो पैसा आ रहा है ये बच्चे के वेलफेयर में ही खर्च होगा। और साथ में उसमें हम लोगों की वेरिफिकेशन भी टाइम टू टाइम होती है, अगर सपोज़ हमने उसको पैसा दिया और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, वो स्पॉन्सरशिप बच्चे को नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। जी। और मुझे आप ये बताइए कि ऐसे केस जो है, जैसे आपने अभी बताया हमको कि कठुआ में जो आपने 2-3 केस जो हैं ये किए, क्या उनका फॉलो अप हुआ है? हाँ, फॉलो अप उनका है कॉन्टिन्यूस, उसमें बच्चे इनरोल हुए हैं और स्कूल जा रहे हैं। ये जो आप 2,000 rupees देते हैं ये पर ईयर है कि पर मंथ है? पर मंथ है। पर मंथ जी। तो उनको मतलब कि कौन से स्कूल जो वो अपना मनमर्जी का चुने या कोई स्कूल का ही गवर्नमेंट स्कूल का ही प्रोविज़न है। एक्चुअली अभी हमें लगता है कि चाइल्ड लाइन को भी इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि जो प्राइवेट में भी राइट टू एजुकेशन के तहत जो भी इनका फिक्स है कि इतने प्राइवेट स्कूल्स को भी एडमिशन कराना चाहिए, वहाँ पर एडवोकेसी और अवेयरनेस की थोड़ी ज़रूरत है, और हम लोग उस पर इन फ्यूचर काम करने का प्लान कर रहे हैं। तो ब्रिक किलंस के लिए आपने क्या प्रावधान किया? ब्रिकलेंस के लिए तो हमने अभी फ़िलहाल इनको बोला है कि टीम के साथ हम लोग जो अपना सिटी एक्शन प्लान डेवलप करते हैं उसको डेवलप करके उसमें हम लोगों ने चाइल्ड लेबर को और चाइल्ड बैगिंग भी आपके यहाँ बहुत बढ़ रही है तो दोनों पर फोकस करते हुए अभी तो हम लोग एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद अदर स्टेक होल्डर्स के थ्रू हम लोग उसको बच्चों को रिहैबिलिटेट करने का प्लान कर रहे हैं। हमने ये सोर्स से सुना है कि जम्मू के जो डीसी हैं उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया है। हम आपको बताएं कि सबसे पहले ये श्रीनगर डीसी ने ये ऑर्डर निकाला था और उसको हमने कई बार डीसी साहब को भेजा भी था, डीसी जम्मू साहब की भी इस तरह से निकला है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए जम्मू डिवीज़न में भी, तो इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने भी बैगर्स के लिए इस तरह का ऑर्डर निकाला हुआ है। अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज जो है आप लोगों को देना चाहते हो? हम लोगों का सपोर्ट चाहते हैं एक चाइल्ड फ्रेंडली नेशन के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली JNK के लिए, कि हमारा एक ऐसा JNK बने जहाँ पर बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली हो, यहाँ पर कोई इस तरह के अब्यूज़ के और चीज़ें की कोशिश कि मतलब जो केसेस आते हैं इस तरह ना हो आए, और वो तभी होगा जब हम सभी जागरूक होंगे और हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर आज हम यहाँ बोल रहे हैं 1098 कोई नंबर है तो हमें लगता है कि जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो 1098 एक बार कॉल करें और जाने वहाँ पर डायरेक्ट कॉल करके पता करें कि उनकी सर्विसेज हैं क्या, और उसको अपने बच्चों के लिए ही नहीं हमारे आस पास कहीं भी कोई भी बच्चा दिखे तो उसके लिए एक अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको जब वो पूरी करेंगे
तभी एक जो हम लोग विजन और मिशन चाइल्ड फ्रेंडली नेशन और जेएनके का लेके चल रहे हैं तभी वो पूरा हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आपके मिशन में कठुआ जम्मू कश्मीर स्टेट में कितने लोग जो है ये काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 12 चाइल्ड लाइन है सब जगह 10-10 लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं जी। तो प्रॉपरली जो है सारी रिपोर्टिंग हो रही है, हर एक चीज़ जो है मतलब कि उसका क्या कहते हैं आपको रिपोर्टिंग आ जी है, बिल्कुल प्रॉपर लिया जा रहा है हर एक चीज़ का जी। फॉलोअप इसलिए है क्योंकि फॉलोअप जो इनका होता है वो मिनिस्ट्री को जाता है और उस बेस पर ही ग्रांट रिलीज होती है। अब जैसे कोई घर है वहाँ पे अगर बच्चा काम कर रहा है तो कैसे आपको जो है इतला करनी है, वो भी आप हमारे दर्शकों को जो है वो बता दें? सीधे आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1098 1098 आप डायल करें, वहाँ पर आपको जो भी इश्यूज़ हैं वो खुद आपसे पूछेंगे, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी और वो उसके बाद हम आगे वो जो भी प्रोसीजर होगा हम लोग फॉलो करेंगे। आपने 1098 पर कॉल कर दिया तो चाइल्ड लाइन वहाँ पहुँचेगी। मतलब कि फिर कहीं ये ना हो कि जिसने बताया है आसपास पड़ोसियों के साथ, कॉन्फिडेंशियल रहती है सारी इन्फॉर्मेशन, आप कभी ऐसा नहीं हुआ, डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग, डिस्क्लोज नहीं करते जी। ये थे हमारे साथ मंजरी जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ये चाइल्ड लाइन के, और इन्होंने जो जो बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं और इनका यही कहना है 1098 पे कॉल करें अगर आपको किसी भी तरह का लगता है आपको, या कहीं पे कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है या किसी बच्चे के साथ जो है कोई घटना घट जाती है, किसी तरह का आपको मामला जो है बच्चों से संबंधित मिलता है तो 1098 पे कॉल करें, चाइल्ड लाइन जो है वो उसके दरवाजे पे होगी और इन्होंने एश्योर्स किया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में रह के जो है वो की जाएगी। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ। India News.